उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। आज के दिन फोटोशूट किया गया जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक शामिल हुए। ये एक नई परंपरा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मात्र 11 दिन ही चल सका जबकि इसकी कार्यवाही 20 फरवरी से 10 मार्च तक के लिए तय की गई थी, लेकिन कार्य मंत्रणा की बैठक में तय हुआ कि 3 तारीख तक ही सदन की कार्यवाही को चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए गए हैं। आज विशेषाधिकार हनन के मामले में 6 अधिकारियों को दोषी करार दिया गया है। मंत्री जी, आप किस तरह से देखते हैं, एक लंबे अंतराल के बाद अधिकारियों को दोषी करार दिया गया है विधानसभा द्वारा और सदन को न्यायपालिका बना दिया गया था आज? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा कहीं स्थान है तो वो जनता का है और जनता का जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका है। यहाँ इस बैठ करके इस लोकतंत्र के मंदिर में कानून बनाया जाता है। अधिकारियों को या इस कानून को पालन करने का अधिकार है, उसका उस कानून को उल्लंघन करने का नहीं है। और जिस तरह से उन लोगों ने एक अपने पूर्व सदस्य के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया और हमारे जो विशेषाधिकार हनन समिति ने उस पर निर्णय लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने उसको संज्ञान ले करके आज 6-6 अधिकारियों को सजा दिला करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया और आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने का काम किया। विधानसभा की कार्यवाही लंबे समय तक चली, रात 12 बजे तक चली, 9:30 बजे तक चली, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन जल्दी विधानसभा की कार्यवाही खत्म हुई हो, क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर? देखिए, ये बहुत सौहार्दपूर्ण में भाई जो भी पक्ष और विपक्ष सबको समान अवसर देने का काम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया, सबको अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को उठाने का अवसर दिया और अपनी जो पार्टी की जो उनके सिद्धांत है उसके ऊपर उनको बहस करने का, चाहे वो बजट पर बोलना हो, चाहे अपने अपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का हो, सबको समान अवसर दिए और सबको संतुष्ट किए और वो नया नया रोज प्रतिदिन एक नई कीर्तिमान जो है विधानसभा अध्यक्ष जी स्थापित कर रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हैं। का पर्व है, आप परिवहन विभाग के मंत्री हैं, बहुत बड़ी घोषणा की है ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए और होली में आम लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सर? देखिए, मैं 2000 से ऊपर बसों की मैंने होली के लिए स्पेशल बसें जो है हमने व्यवस्था की है। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुबह में कल 9:30 बजे 150 बसें जो हम राजधानी सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति एक मैं ऐसी एक सेवा पहले से भी लखनऊ के लिए बहुत सारी हमारी बसें चलती हैं लेकिन एक स्पेशल मैं कल से चलाने जा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको जो है हरी झंडी देंगे कि सुबह में चल करके कोई व्यक्ति लखनऊ हर जिले से आएंगे और 11 बजे तक बसें यहाँ पहुँचेंगी, यहाँ पर दिन भर काम करके फिर शाम को बस वापस चली जाएगी, 12 बजे रात तक वो अपने घर पहुँच जाएंगे तो लखनऊ में उनको रुकने के लिए कोई इसकी अनिवार्यता नहीं रहेगी। तो ये इसके लिए कि हम राजधानी सेवा प्रारंभ कर रहे हैं, उसके बाद हम एक दिल्ली राजधानी सेवा कुछ दिन के बाद निकालेंगे, एक बस इधर से चलेगी एक बस उधर से, उसके बाद अटल सेवा का भी मैं प्रारंभ करने वाला हूँ जो 2 शहरों को जोड़ने का काम करेगी। एक बहुत हाई स्पीड की बसें हम ले आ रहे हैं जो उसको नाम चेतक रखेंगे कि वो दिल्ली तक जाएगी, चाहे 500 किलोमीटर या ऊपर की दूरी तय करने के लिए उसको, तो हम कई ऐसी सेवाएँ अभी देने वाले हैं। 1650 बस हमारी बनकर तैयार हो रही है। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि होली पर्व पर बसों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, आम जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ट्रेवल करने में नहीं होगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए आज स्थगित कर दी गई। लगभग 36 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित रही, अन्यथा 11 दिन तक ये बजट सत्र चलता रहा। 83 घंटे 15 मिनट तक ये बजट सत्र चला जिसको पक्ष और विपक्ष ने खट्टे मीठे अनुभवों के साथ चलाया। लगभग जो योगी सरकार का अब की बार का जो बजट था लगभग 6,90,000 करोड़ का ये बजट था। आज खट्टे मीठे अनुभवों के साथ अनिश्चित काल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज लखनऊ।